Thank you so much, sir. सर थोड़ा याद थोड़ा अजू मैम एक्सक्यूज मी कैन यू अजू अरे अरे यार इकड़े यार साहब अरे काय करता है यार तुम्ही लोग यार अरे आम्हाला फोटो कर दे यार पहला ग्रुप चला गया यार क्या कर रहे हो आप दोनों का चाहिए मैम मैम यहाँ पे ही रुकिए आप वहाँ पे मत जाइए इकड़े समोर एकदम इधे समोर समोर अरे अनुषा संजय साहब के साथ तीनों का साथ में हो जाता ना फोटो तीनों का साथ में जाइए ना मैडम इकड़े सर मध्ये इकड़े या ना थोड़ा सा इकड़े लास्ट कॉर्नर ट्रायपॉड हलव नको रे सर इथे सर आता एक तिथे त्यांच्या तो जो बॅकड्रॉप आहे साहेब लास्ट कॉर्नर सर इथे समोर मध्ये मीडियन साईडला बघितलं पटकन सर लेफ्ट साइड सर इथेच सर इथे सर सर
साहेब या साइडला पण इकडे पण सर लेफ्ट साइड में सर इकडे सर इकडे हॅलो सर इथे हा गोपले सर बोला काय बोलताय मॅडम सर 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 एक या पे साहेब साहेब थैंक यू सो मच नहीं वो क्रॉस एंगल हो रहा है सर 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 सर
यार उन लोग को उधर भी नहीं होगा। नवाज सर, नवाज सर एक यहाँ पे प्लीज, प्लीज सर प्लीज। हाँ बस सर 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 थैंक यू सो मच। हाँ बस बस सर यहाँ पे सर सर नमस्ते सर सर दिस साइड सर यहाँ पे बीच में सर मिडिल 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 नमस्ते 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 साहब सर सर
लीजिए सर, सर सर इधर सर 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 इकडे फ्लॅश आहे थोडा पाठी झाला मॅडम इकडे बन गया होने का टाइम टन करा इधर इधर आएगा ना इधर आपको मैं अरे सर अमृता जी जत्ता लियो इससे करियो ना हमने नंदनी इधर भी करा सर सर अमृता यहाँ पे कर दो मैं नहीं भाई जरा पीछे अमृता जी सेंटर में देखिए साइड में अमृता जी सेंटर में साइड में मैडम
नवा साहब दोनों का ही दोनों का नवा सर नवा सर आया अभी मैडम ये नवा सर नवा सर नवा सर सेंटर सर मैम सेंटर नवा सर 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 पे सब क्रिकेट हो चुके हैं सर फ्लाइट मिस हुई थी तो मैं अभी अभी पहुंची हूं, बट मेरे लिए जो एक सबसे यादगार पल है वो है कि रश्मि ठाकरे जी की जो मदर है, जो एक्चुअली मीनाताई जी की समधन रही है, उनके आंखों में मैंने वो जो नमी देखी और जो इमोशन देखे वो मुझे बहुत दिल को छू गया, क्योंकि बाकी मेरे पास माँ साहब का कोई रेफरेंस नहीं था और उन्होंने इतनी बारीकी से मुझे सीन के बॉडी लैंग्वेज वगैरह करके दिखाए, मतलब दैट वाज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी एज एन एक्टर. इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, मेरी नहीं हुई, मेरी भी हो जाती लेकिन मैं पहले जाके पकड़ लूँ. ये तो जेम्स बॉन्ड है. कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लगा फिल्म, हमने कोशिश की है और बहुत मेहनत की थी कि बाला साहब को मिमिक ना किया जाए, ना उनको और कैरिकेचर ना किया जाए. आप धीरे धीरे देखेंगे फिल्म में कैसे कैरेक्टर कैसे फिल्म डेवलप होती है जी. तो बहुत स्पेशली आदित्य साहब से बात हुई मेरी, तो उनको बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे मोमेंट उन्होंने ऐसे बताए जो उनको वो पर्सनल जानते थे, वो पूछ रहे थे आपने तो डेफिनेटली राज साहब को संभव बहुत स्टडी की, काफ़ी वीडियोस देखे उनके, तो थैंक गॉड अभी वो साकार हो पा रहा है, वो कोशिश है, तो बस यही खुशी है. उदय जी खुश हैं, वो बहुत खुश हैं और उनको उनसे उनकी आंखों से पता चलता है कि बहुत खुशी थी. एक्चुअली मैं ज़्यादा अभी मिला नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी कंप्लीट करके आ रहा हूँ. हमारी आई थिंक लेट वाली स्क्रीनिंग थी, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो बाला साहब को जानते थे, रहे हैं बाला साहब के साथ, तो उनका अलग इमोशन जुड़ा हुआ है और वो उनकी आंखों से पता चलता है, बातों से पता चल रहा था कि उनको लग रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल हूबहू आपने, तो खुशी होती है कि जो लोग उनको जानते हैं, बाला साहब से इमोशनली जुड़े हुए थे उस वक्त पे, वो जब देख रहे थे पर्दे पे, तो उनकी खुशी से मुझे बहुत अच्छा लगा. ठाकरे जो फिल्म है और माँ साहेब मीनाताई ठाकरे जी का जो किरदार है, इसे मैंने नहीं चुना, इन्होंने मुझे चुन लिया. मेरा ये मानना है कि किस्मत से, मुझे तो पता भी नहीं थी कि ये फिल्म मतलब बन रही है, प्लानिंग में है, और अपने आप मुझे कॉल आया संजय राउत जी के ऑफिस से, रोहन मापुसकर और अभिजीत पांडे सर आए मुझे मिलने, और उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया ना बोलने का. उन्होंने बोला आप ही हैं हमारी माँ साहेब, तो ये मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. एंड ये सिर्फ एक रोल नहीं है मेरे लिए, ये उसके बहुत बहुत परे है. सो बेसिकली वन ऑफ द मोटिव ऑफ द फिल्म वॉज फॉर माई फादर टू
show the new generation how Bala Sahib was, and I think I could see Bala Sahib in him. So I think, yeah, that's the motive was completed. कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। इवन इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं, सब पूरी टीम का हाथ है। और वो शी वगैरह हम लोग सब ने, राज साहब ने इतनी सारी डिटेल दी उस कैरेक्टर के बारे में, उसको डेवलप करने के बारे में, के लिए बहुत कुछ, सब लोगों की टीम से ही ये सारा कुछ बनता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि थैंक गॉड पूरी टीम ने पेशेंस के साथ काम किया और उसका फल आज सामने देख रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं रेट्रो ज़माने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और इस फिल्म में आपने पहली बार मुझे ब्लैक एंड वाइट में देखा है, ये मेरे लिए एक सपना सा ही है। और ब्लैक एंड वाइट पे मैं जिसकी दीवानी हूँ वो मधुबाला जी है, तो मधुबाला जी पे अगर कोई बायोपिक बनेगी तो मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ। मधुबाला बिल्कुल फिट बैठेंगे, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा। किशोर कुमार का ऑब्वियसली ये जी जी जिनके साथ आप सहज हो? नहीं नहीं, हमें ये डायरेक्टर पसंद है। तो उर्वशी जी बताएंगे क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। तो ये आप 25th को पब्लिक से ही पूछते हैं। मन में वो सबके जो विचार है वही हमारे मन में भी है विचार कि सब लोग देखें फिल्म को और इन्जॉय करें, और जो कोशिश की है हमने तो वो देखने लायक है। आप देखते हैं, आप ही डिसाइड करेंगे। इंडिया टीवी का ना।